इतनी तालियां भी क्यों बजाई तुमने? एक बार ढंग से पीटो ताली। हाँ सिर्फ ताली बजाने के कहा, सीटी नहीं बजानी बिल्कुल भी। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, मैं पुनः अपने क्रम में उपस्थित हुआ हूं। मां शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं, सम्मानित मंच का पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सभी को भी इस शानदार कार्यक्रम की बधाई प्रेषित करता हूं। और दोस्तों, यहीं से बिना किसी भूमिका के, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमें, जैसा कि सभी बता रहे हैं, संपत सरल जी तक पहुंचना है और सभी लोग, मुझे पता है, उनको सुनने के लिए यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे होंगे अभी महाराष्ट्र में मतदान हुए थे, चुनाव हुए थे, तो वहां पर एक गठबंधन को बहुमत भी मिल गया, परंतु वो 50-50 के चक्कर में अभी तक वो 100% तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो वहीं से बात रखता हूं। और देखो, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं, ना ही कांग्रेस का आदमी हूं, और आदमी में मायावती का भी नहीं हूं। मैं हूं सिर्फ अपनी लुगाई का आदमी। हाँ, तो कहीं ये जो भी सुनाऊंगा सिर्फ आनंद के लिए सुनाऊंगा, इसको कहीं से भी अपने राजनीति के चश्मे उतार करके सुनिएगा कि पब्लिक के अरमानों को हम, वाह संपत जी, कि पब्लिक के अरमानों को हम मिलकर ऐसा कूटेंगे, वाह चौक तलक भी शर्मा जाए, ऐसा इनको चूटेंगे, और लूट पाट का सारा ठेका तुमने नहीं लिया है जी, दोनों की है हिस्सेदारी, 50-50 लूटेंगे, बहुत बढ़िया, वाह वाह, दोनों की है हिस्सेदारी, 50-50 लूटेंगे। वो एक शोर मचा था पिछले कई महीनों तक, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं अच्छा। भी चौकीदार सुना था सबने। ये हमारे अनुरागी मन जी, इन पर भी एक दिन खुमार चढ़ गया। अच्छा। सुबह सुबह उठ करके मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। इसकी माँ ने एक मारा रैपटा गाल पे, बोला रात से तेरी बहू घर में आई नहीं और तू कह रहा है मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तेरा साथ मिला है जब से सब कहते हैं सरकार हूं मैं, वाह, और जिसको भी तू मिल ना पाई वो बोले बेकार हूं मैं। अच्छा। और तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है, तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूं मैं। सही है। तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूं मैं। मैं देख रहा हूं मेरे कई दोस्त मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त हैं। एक तो अपने हाथ को तकलीफ दे रहे हो, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हो। अच्छा अच्छा, करना इसने भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये तुरंत रिकॉर्डिंग भेजेगा अपनी गर्लफ्रेंड को और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी मेरे पास। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जले अब तक। सुन ले बल। कि बचपन का था प्यार अनोखा, तू कमली मैं कमला था। अच्छा। शहजादी के जैसे रखा दिल मेरा एक बंगला था। बड़ी जगह है। और जुम्मे को चुम्मा देने का वादा करके मुकर गई, ऐसे जैसे तेरा वादा
कोई सियासी जुमला था ऐसे जैसे तेरा वादा, कोई सियासी जुमला था। भाई साहब ये बस थोड़ी बहुत तुकबंदियां कर लेता हूं, वरना तो मंच पर आदरणीय संपत सरल जी हैं, एक बहुत बड़े व्यंग के हस्ताक्षर, आदरणीय दादा दिनेश संदल जी की उपस्थिति होती है, ये एक बहुत बड़े कवि हैं। और वास्तव में मैं अपने आप को इनके सामने कवि का कह भी नहीं समझता, और इनको बड़ा कवि क्यों समझता हूं वो भी बता देता हूं कि फलों से हौ लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हौ लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, सामने कई मेरे बेटियां बैठी हुई हैं, मंच पर भी एक बेटी का प्रतिनिधित्व कर रही है, मैं दिल से सम्मान करता हूं बेटियों का, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं। वो मजबूरी भी हो सकती है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, बेलन खाने से अच्छा इज्जत करो। बिल्कुल बिल्कुल। कि फलों से हौ लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते, और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। अरे वाह, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। और एक बात और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इन आईआईटी के इंजीनियर्स, देश के भावी इंजीनियर्स के सामने, और टेक्निकल बात कहता हूं, कि सभी डरते हैं बीवी से, मेरे जैसा एक्सक्लूसिव पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सही, आप हरियाणा से हैं और आदेश जरा तो गुफा में बैठे रहते हैं, बीवी के पास जाते कहां? अभी आप गुफा से बाहर निकल जाओ और मुझे अपना रंग जमाने दो। वो कभी कहा था कि देख पराई नार नजर का चंचल होना ठीक नहीं, रोज रोज ही घरवाली से दंगल होना ठीक नहीं, और रंग जमाने में मेहनत में वक्त भी जाया होता है, और रंग जमा हो महफिल में तब हलचल होना ठीक नहीं। स्वागत है, स्वागत है। सभी डरते हैं बीवी से मगर मैं तो नहीं डरता। अरे क्या बात, यहां से रहे इनको विश्वास नहीं हो रहा, मैं जज साहब के सामने कह रहा हूं, एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं। जज साहब के सामने तो कोई लोग झूठी गवाही देके चले। और ये अलग बात है कि जज साहब वो भी डरते हैं, ये आपके प्रोफेसर साहब बैठे हैं पीछे मंच पर, बड़े बड़े कवि बैठे हैं, ये सब डरते हैं। कि सभी डरते हैं बीवी से मगर मैं तो नहीं डरता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। अरे वाह बड़ी चलती है। और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो मन करता है वो बनाता हूं और वो खाता हूं। ये हमारे संपत जी देश के क्या दुनिया के एक बहुत बड़े व्यंग के हस्ताक्षर है, पर घर में इनको भी वही खाना पड़ता है जो थाली में टुकड़े डाल दिए जाए। सही बात है। कि रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकते। क्या बात है, आपको आपको आवाज लगती हो, जो भी बनाना दो बनाना। अरे बार बार कह रहे हरियाणा से आया हूं भाई, हिंदुस्तान का ही एक राज्य है सर, कोई ये तो है ना मुझे पासपोर्ट वीजा लेकर के यहां आना पड़े। हाँ। बिना बात का हरियाणा वालों का ना भाई साहब एक वो प्रेजेंटेशन ऐसी बना रखी है, एक इमेज ऐसी बना रखी है, वो दिखते ही ऐसे हैं होते बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वो तो देख रहे हैं ना ये लोग। मैं एक कवि सम्मेलन में गया भाई साहब राजस्थान के, में वो सारे कवियों ने अपना अपना जोर दिखाया, शुभम पांडे भी था, सबने खूब एंजॉय किया, तालियां भी पीटी ठाके भी लगाए, परंतु एक श्रोता था वो किसी से नहीं हिला, पूरे कवि सम्मेलन में उसका एक ही सिंगल पोज रहा। बस जो भी कवि आया वो अपने अब आया मेरा नंबर भाई साहब, मैंने चार पंक्तियां पढ़ी और तुरंत उसने ठाका उठाया। अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर, मैंने जो आयोजक था उससे कहा मैं ये देखो
किसी से नहीं हिला, मैंने इसको हंसा दिया। बोला ये गुंगा बहरा है कि तेरी कविता सुन के नहीं, तेरी शक्ल देख के हंसा होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस ऐसे ही आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। और मैं बताना चाहता हूँ क्या है हरियाणा, कि सीधे साधे लोग जहाँ, हरियाणा के भी बहुत से लोग होंगे यहाँ पर, उनके स्वाभिमान को, ये भाई ने राजस्थान के स्वाभिमान को उकसाया था, मैं हरियाणा के स्वाभिमान को, और हरियाणा में आपको पूरा हिंदुस्तान नजर आ जाए तो फिर आप मुझे सूचित करिएगा। स्वागत है। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, बहुत सीधे होते हैं हरियाणा के लोग, बिल्कुल जलेबी की तरह, जहां देखो वहां लठ गाड़ दिया। वो एक हमारे कॉलेज में फंक्शन था, उस फंक्शन में एक लड़की ने एक रोल प्ले किया भुआ जी का, एक करेक्टर था उसमें भुआ जी का। अब अगले दिन से लड़कों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया, जो कोई देखे भुआ जी नमस्ते, भुआ जी नमस्ते, भुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान होगी, सीधी गई प्रिंसिपल के पास, बोली क्या मजाक बना रखा है सर, जो कोई देखो मुझे छेड़ रहा है, हर कोई भुआ जी नमस्ते, मैं तो कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ। प्रिंसिपल ने समझाया, बोला नहीं बेटा नाराज नहीं होते, मैं समझाता हूँ लड़कों को। वो लड़की को लेकर के असेंबली हॉल में पहुंचे, सारे लड़कों को बुलवाया गया, सारे लड़के आकर के बैठ गए। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा कि पहले तो जो भी लड़का इस लड़की को भुआ जी कहता है खड़े हो जाओ। सारे के सारे लड़के खड़े हो गए। प्रिंसिपल साहब ने ध्यान से देखा, कोने में एक लड़का बैठा हुआ चुपचाप नजरें झुकाए, वो बहुत खुश हो गए, बोले हुआ यार, एक बंदे में तो संस्कार जिंदा है, अभी निराश नहीं हो सकते। बोले शाबाश बेटा, खड़े होकर के बताओ इन सबको, तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते? बोला जी मैं इनका फूफा लागू। बढ़िया है, सही है। बोले जिस नाटक में इस लड़की ने भुआ जी का रोल प्ले किया था, मैंने फूफा जी का रोल प्ले किया। हाँ, गलत मत समझना कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में, मन कर रहा था एक बार सारे बजा दो ताली, क्या दिक्कत है। वाह, अच्छा लोग नहीं भाई साहब, पशु पक्षी तक, हरफन मौला हाजिर जवाब। वो दिल्ली में एक ताऊ तोता बेचने लग रहा, वो एक आ गया सूटेड बूटेड जेंटलमैन, बोला ताऊ तोता कितने का? बोला 50,000 का। बोले यार बेवकूफ बना रखा था, 50,000 का तोता, 50,000 में कोई तोता होता है? बोले इसमें खूबी इतनी है। बोला क्या खूबी है? बोले तीन तीन भाषाएं जानता है। बोला क्या? बोले इंग्लिश जानता है, ये हिंदी जानता है, और ये हरियाणवी भी जानता है। बोला अच्छा, फिर तो कमाल का तोता है। बोला मैं इसका टेस्ट लूंगा। बोले ठीक है जी, लो टेस्ट। उन्होंने तोते से सवाल किया, बोले व्हाट इज योर नेम? तोते ने तुरंत जवाब दिया, सर माय नेम इज मिट्टू। उन्होंने फिर हिंदी में सवाल किया, बोले तुम्हारा नाम क्या है? तोते ने फिर तुरंत जवाब दिया, श्रीमान जी मेरा नाम है मिट्टू। तोते वाला बोला भाई होगी तसल्ली? बोला ना अभी हरियाणवी में और पूछूंगा। बोला मत पूछ। बोला नहीं मैं तो पूछूंगा। बोला फिर कर तसल्ली। बोला अरे तेरा नाम कैसा है? तोते ने फिर तुरंत जवाब दिया, बोला तेरी माँ का कसम। तेरे को नाम समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दिया, अब हरियाणवी में कोई नाम थोड़ी बदल जाएगा। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेत वाला ये तो हरियाणा है, और गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा, कि गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया, बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है, और लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछे राबड़ी में, कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछे राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। क्या बात है, वाह। और अगली एक पंक्ति में आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया है, तो आप सभी से आशीर्वाद की तालियां मांगता हूं, कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछे राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है, और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर वन ही रहा हरियाणा, सदा नंबर वन ही रहा हरियाणा, सदा नंबर वन ही रहा हरियाणा। और भाई साहब हरियाणा की तो क्या बात बताऊं मैं, हरियाणा की पुलिस भी नंबर वन, बिल्कुल 100 नंबर घुमाओ तुरंत आ जाएगी।
और 100 रुपए तो तुरंत चली भी जाए। आपने कितनी बार दिए? मैं अपनी बताता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद की हरियाणा में भी टॉप की पुलिस, 100 देने की भी जरूरत नहीं, जो दो उसी में खुश। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं घर से निकला स्कूटर लेकर के, तीसरी रेड लाइट पर ही पकड़ लिया, हेलमेट पहनना भूल गया था। बोले भाई आज चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा। मैं बाबूजी गलती होगी। बोले गलती होगी तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, चालान कटेगा। मैं कि बताओ। बोले क्या बताया? मैं बताओ कुछ सेवा पानी। बोला अच्छा 500 रुपए दे। मैंने पर्स निकाला और दिखा दिया। मैं 20 रुपए पड़े, लेने ले लो। लेने ले ले। पहले तो देखा कलडा कलडा मेरी तरफ, फिर बोला अच्छा चल दे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। मैं कि चला तो जाऊंगा, मुझे बहुत दूर जाना, आगे कोई तुम्हारा और रिश्तेदार मिल गया उसको क्या दूंगा, मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं है। और बोला अच्छा एक काम करियो, कान में आके धीरे से बोला कोई मिल जाए तो उसको बोल दियो पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। आगे 2 रेड लाइट के बाद फिर नाका लगा के खड़े। बोला आ जा भाई साइड में, चलान कटेगा। मैंने कहा पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। यार ये तो पासवर्ड लग गया अपने आप। भाई साहब अगले दिन मैं जान के हेलमेट नहीं पहन के गया। मैं कि यार जब अपनी जेब में पेप्सी है मैं क्यों किसी के बाप से डरूं। मैं निकला चौड़े में स्कूटर पर बिना हेलमेट के। तीसरी रेड लाइट पर फिर मुझे पकड़ लिया उस दिन। मैंने अभी छाती 56 इंच फुला करके कहा पेप्सी। वो बोला घना श्याणा मतना बने, आज लिमका है कहां पेप्सी लिए घूम रहा है तू। बढ़िया बढ़िया। देखो दोस्तों ये सब सिर्फ हंसी मजाक और जुड़ने की बातें हैं। मैं दिल से वर्दी वालों का बहुत सम्मान करता हूं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या फिर फौजियों की वर्दी में। दिख रहा है? नहीं मैं दिख रहा है नहीं, मैं वास्तव में दिल से सम्मान करता हूं। और क्यों सम्मान करता हूं मैं बताना चाहता हूं इस पूरे सदन को, कौन है ये वर्दी वाला। स्वागत है, जोरदार तालियों से सम्मान। कि रहे अडिग सीमा ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है। वाह। कि रहे अडिग सीमा ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, तीस त्योहारों या मेलों में भी डटती है वर्दी है, शिखर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, और दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, वाह शानदार, बहुत बढ़िया, बड़ी बात। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, और दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते। क्या बात है, वाह। कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाता है, कोई उन पर बलात्कारी का लेबल लगा देता है, कोई उन पर पत्थर बरसाता है, कि दुश्मन की छाती पर चर्चो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं, भारत भू की रक्षा खातिर अपना सब जो वार गए, सिर्फ तुम्हारे बोल बचन जीते जी उनको मार गए, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है। क्या बात, तेरा क्या है खादी वाले, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है। और दोस्तों ये जो आज हम इस तरह के उत्सव मना पा रहे हैं, इस तरह से अपने त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली और जो भी हमारे त्योहार होते हैं, वो इसलिए मना पाते हैं कि कोई वर्दी वाला हमारी हिफाजत में खड़ा रहता है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं, परंतु भाई साहब उनको सालों साल हो जाते हैं अपने परिवार की शक्ल देखे हुए, छुट्टी नहीं मिलती जल्दी से। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे गांव का रामफल एक फौजी, उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। वो गया अपने साहब के पास, बोला साहब छुट्टी दे दो। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी घर से टेलीग्राम आया मेरा बाप मर गया। अब बाप मर गया तो कौन मना करे? बोला अच्छा भी जा छुट्टी। 2 महीने बाद फिर रामफल खड़ा हो गया। बोला हाँ भाई क्या बात? बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस लिए? बोला जी मेरी माँ मर गई। बोले यार 2 महीने पहले तेरा बाप मरा था, चक्कर क्या है? उन्होंने उसकी फाइल मंगवा ली। देखा तो भाई साहब पिछले 3 सालों से यही चक्कर चल रहा है, कभी बाप मर गया छुट्टी चाहिए, कभी माँ मर गई छुट्टी चाहिए। बोले यार तूने तो अच्छा यार माँ बाप के, अब तू ऐसे वो करता है, कुछ तो शर्म कर। बोला साहब आप गलत समझ रहे। बोले गलत क्या समझ रहे? बोले मेरी समस्या समझो, आपको छुट्टी की पड़ी है। बोले तेरी क्या समस्या है? बोला जी पहले मरा था मेरा बाप, फिर मेरी माँ ने कर ली दूसरी शादी। और फिर मर गई मेरी माँ, फिर मेरे बाप नए बाप आया था उसने फिर कर ली दूसरी शादी। बोला साहब एक्सपायरी डेट का तो अगला प्रोडक्ट लाते हैं।
और 3 महीने में वो एक्सपायर हो जाता है। आपको छुट्टी की पड़ी है, ये सोचो हर 3rd महीने मुझे काज भी करना पड़ता है उनका, मेरी सारी तनख्वाह तो उसी में चली जाती है। साहब ने धमका धमको के उसे भगा दिया, बोला चल यार तेरा फालतू का नाटक है। पर वो रामफल को तो छुट्टी चाहिए साहब, छुट्टी के बगैर उसको भी गुजारा नहीं। 4th दिन फिर पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को बिल्कुल भी। बोला साहब प्लीज छुट्टी दे दो, बहुत जरूरी काम है। बोला कोई भी काम है छुट्टी नहीं मिलेगी। उन्हीं दिनों वो फिल्म आई हुई थी बाहुबली, तो साहब ने सोचे कि ले चल थोड़े मजे लेते हैं इसके। बोला अच्छा चल एक बात बता, तो एक सवाल का जवाब दे दे छुट्टी दे दूंगा। बोला जी पूछो। बोला ये बता कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। रामफल बोला साहब बाहुबली ने छुट्टी मांगी थी। छुट्टी बढ़िया 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 कि एक दिन लेकर छुट्टी की दरखास्त रामफल जा पहुंचा साहब के पास, कि एक दिन लेकर छुट्टी की दरखास्त रामफल जा पहुंचा साहब के पास। बोला साहब कल ही आई है घर से चिट्ठी, जरूरी काम है मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। बोला साहब कल ही आई है घर से चिट्ठी, जरूरी काम है मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। क्या बात। बोले परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब अपना रामफल भी कम नहीं था कलाकार, उसने सुबह तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। शाम होते होते पट्टे ने कमाल कर दिया और साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। अच्छा। साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया और टैंक देखकर साहब हुए बहुत हैरान। बोले भाई रामपाल आज तुझे गया मेहमान, जहां दिन के उजाले में बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं भरते हुए परवाज, नहीं चली कोई गोली और नहीं सुनी बम की आवाज, और तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तान का पूरा टैंक उठा लाया, क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया। बोले क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया। रामपाल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर चुकाया है। क्या? बोले दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, खुलकर बताओ ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोले उनके साथ पर भी छाई हुई थी खुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी ही थी बीमारी। पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और उसकी मजबूरी समझकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल, बोले रामफल तुझे दुश्मनों से मिली भगत का बिल्कुल नहीं मलाल। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन परस्ती अपनी जगह। बोला दोस्ती दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी और कर्ज की लकीर फर्ज से भरने ना पाएगी। क्या बात है, वाह वाह। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी और कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी, और यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। वाह वाह। मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी को, जो जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। शुरू में ये पूरा सदन भरा हुआ था, कुछ लोग कवि सम्मेलन देखने आए थे और जो सुनने आए थे वो अभी भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए। एक छोटा सा विषय छूट गया है जो अभी तक किसी कवि ने उस विषय पर अपनी कोई पंक्ति या कोई बात नहीं रखी, मात्र कुछ पंक्तियां बोल करके मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। अभी कुछ महीने पहले ही जब देश के हमारे प्रधानमंत्री ने सदन में जब घोषणा की, बिल पास किया कश्मीर से 370 हटाने का, उस विषय पर मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। अगर एक बार आप अपनी तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए, मात्र चंद पंक्तियां। कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी, हमें हर बार ये कहना पड़ता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
क्या कभी यह कहना पड़ा कि राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है या उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है या हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है? क्योंकि सिर्फ जो एक 370 की लकीर थी वो उस चीजों को अलग बनाती थी कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी, कश्यप की भूमि पर कैसे नाग फनी उगाई थी, स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों, कि स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों, काश कोई तो हिम्मत करता आगे कदम बढ़ाते तो, अनुच्छेदों की आड़ में दुबके चूहा को धमकाते तो, रोज तिरंगे में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे। वाह बड़ी बात, वाह बहुत बड़ी बात। रोज तिरंगे में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे, समझौतों से बंधी थी दिल्ली सेना को लाचार किया, क्यों नहीं किसी ने ठीक से इसका कभी कोई उपचार किया, कौन हाथ छत्ते में डाले, कौन हाथ छत्ते में डाले, सोच सभी घबराते थे, सच्चाई से जान बूझ कर नजरे रोज चुराते। बड़ी बात, वाह बढ़िया बढ़िया। सच्चाई से जानबूझकर नजरें रोज चुराते थे, तभी 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 वक्त ने करवट बदली, दिल्ली को नया सरदार मिला, मात भारती की आंखों में सपनों का संसार खिला। आज तलक जो हुआ नहीं पल भर में कर दिखलाया है, अनुच्छेदों की काट बेड़ियां माता को तिलक लगाया है, हिम शिखरों से हिंद महासागर तक एक विधान हुआ, भारत भू का आज तिरंगा केवल एक निशान हुआ, हिम शिखरों से हिंद महासागर तक एक विधान हुआ, भारत भू का आज तिरंगा केवल एक निशान हुआ, अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है, मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सेना है। क्या बात, वाह बढ़िया। अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है, मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सेना है, और दोनों गालों पर थप्पड़ खा चुप रहने के आबादी नहीं, 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। क्या कि दोनों गालों पर थप्पड़ खा चुप रहने के आबादी नहीं, 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं, और भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद।